पति पत्नी के बीच सबसे बड़ा दर्जा प्यार का होता है। और मैंने जमुना से प्यार करके शादी की है, आप समझ रहे हैं अंकल? आंटी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैंने अगर आपके साथ ही आपकी बेटी के साथ कोई धोखा किया है तो आप सब मुझे प्लीज माफ कर दें। लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मेरा परिवार है, मेरे पिता, जो अपनी मर्जी जबरदस्ती मुझ पर चलाना चाहते हैं। मैं शुरू से ही जमुना से ही प्यार करता था, ये मेरा पहला प्यार है और शायद मेरी आखिरी मोहब्बत। संगीत, राय परिवार के बारे में तो कुछ नहीं जानता, जमुना के साथ तू घर नहीं बसा पाएगा। ढोल बजाने वाली इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा संगीत, बिल्कुल भी नहीं। चिंता मत कर, मैं तो हूं, तू भी है, दोनों मिलके ये जंग जीतेंगे, चिंता मत कर। ढोल बजाने वाली इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा संगीत, बिल्कुल भी नहीं। ये जंग नहीं रुकने वाली, मैं जानता हूं, शेर हिरण की जंग है। तुम्हारे बड़े भाई यानी कि जमींदार केदार राय, उनके सामने दौलत ही सब कुछ है। कौन अमीर है, कौन गरीब है और किसके पास दौलत है, कौन किस क्लास से बिलोंग करता है, आज तक ये इसी तरीके से सबको जज करते आए हैं, इसलिए ये लड़ाई तो लंबी चलनी ही है। अच्छा कामिनी, देखो हमारी शादी को जितने भी दिन हुए हैं ना, मतलब मैं तो उन्हें तब से जानता हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि वो जमुना को यहां पे नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। पता है जमुना ना बहुत हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत वाली। पता है मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा है जो सब लोगों के सामने मुंह के ऊपर सच बोल देती है, जो समझा देती है कि हम सब लोग, सारे लोग समान हैं। समझ गए? हाँ बात तो ठीक है, लेकिन सुनो ना, मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा चलो ना, कल घर निकल चलते हैं। अरे ये क्या बात हुई, कल घर कैसे जा सकते हैं? अरे बाबा कल तो रसम है ना, और उसके बाद कितने काम पड़े हैं यहाँ पर, घर की नई बहू को मंदिर ले जाना है, अभी समझ गए प्यारे लाल? कामिनी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई ये सब मान लेंगे? हाँ, गीत ने अपनी माँ को रोक दिया है तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें तुम्हारी माँ क्या करेंगी, ऊपर से उनकी इतनी उम्र भी हो गई है। मुझे लगता है कि संगीत इस जन्म में तो अपना प्यार नहीं पा सकेगा, बहुत मुश्किल है, नहीं पा सकेगा। भैया कल सुबह ना अम्मा शादी की सारी रस्में करेंगी। हाँ उसे बढ़ावा देंगे वो कामिनी और उसका पति। इस घर में कल कोई चूल्हा नहीं जलेगा, कोई गैस अवन, माइक्रो अवन, इंडक्शन, कुछ भी नहीं, किसी तरह का कोई चूल्हा नहीं जलेगा। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसी चूल्हे की आग में वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये केदार राय का आदेश है। लेकिन माँ को कैसे रोकेंगे? उसकी चिंता मत करो, लेकिन कल घर में खाना नहीं बनेगा,
उस लड़की के लिए रस्में करने से बेहतर है कि उसे जहर देकर मार दिया जाए। भैया भैया, उस लड़की का साहस तो देखिए, मुझे तो हैरानी होने लगती है कि एक ढोल बजाने वाले की लड़की को इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है। हिम्मत तो दी है अपने संगीत ने। कल सुबह मीडिया मैगजीन के फ्रंट कवर में छपेगा कि राय परिवार के लड़के की शादी एक ढोली की लड़की से हुई है। छी 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 छी, उसके बाद आपको कितने ताने और लांछन सहने होंगे सोच कर भी मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मुझे शर्म आती है आपकी बेटी की ये हरकत देखकर। छी, छोटी भाभी। भैया भैया प्लीज, आप इतना सोचिए मत, आप थोड़ा शांत रहिए, मैं हूं ना। हाँ भैया, कुछ भी हो, आखिर हमारा संगीत एक मर्द है, उस लड़की ने उसे अपने वश में कर लिया है। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि उस जमुना को संगीत के साए से भी दूर कर दूंगी। अब और मत सोचिए, बहुत रात हो गई है, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। सुन, तेरी बड़ी भाभी कहाँ है? उसे तो आपने अकेले रहने के लिए छोड़ दिया है। उसी कमरे में जहां पापा ने माँ को भेज दिया था। आप लोगों के लिए तो ईगो ही सब कुछ है। कामिनी, भूल गई क्या, किससे बात कर रही है तू? सब याद है भैया, पूरी जिंदगी तो आपके डर में ही गुजर गई। फिर भी मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए आप। एक बात बताऊं, बड़ी भाभी ने बहुत दुखी है, आपने बहुत अपमान किया है उनका, बहुत ज्यादा। रागिनी। हाँ भैया। तेरी भाभी कमरे से बाहर ना आने पाए। नहीं निकलेगी। माँ बाहर नहीं निकलेगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुबह सुबह जमुना तेरी माँ के कमरे पर दस्तक जरूर देगी। सुनिए जी, कितना समय हो गया उन दोनों को गए हुए। मैं कह रही थी, एक बार फोन तो करके देखो, ठीक से पहुंच गए हैं ना वो? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, अगर वो लोग दीदी को कुछ कर देंगे तो। डरने की बात नहीं है, जमाई बाबू है ना, वो ठीक उसका ख्याल रखेंगे। और इतनी परेशानियां तो शादी में आती ही है। शादी के बाद तो वो सब होती ही रहती है। कितना बड़ा घर है उनका। कितना बड़ा दिल है। आप एक बार फोन तो कर लीजिए, हमने अपनी बेटी को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। अरे ये सब कैसी बात कर रही हो तुम? अरे राज घराने में शादी हुई है मेरी बेटी। रहने दो, वही राज घराना ही मुसीबत की जड़ है, कह रही हूँ ना, एक फोन कर लो। अच्छा ठीक है, करता हूँ, रुको। हेलो हेलो मालकिन, मैं गंगा बोल रहा हूँ। हाँ गंगा बोलो, क्या हुआ बोलो।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन, बस ऐसे ही पूछ रहा था, सब अच्छे से तो है ना? मेरी बेटी ठीक से तो पहुंच गई थी ना मालकिन? वो रस्में सारी पूरी हो गई ना मालकिन? कुछ बाकी तो नहीं रहा ना मालकिन? हेलो हेलो मालकिन, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आप अगर ये रस्म पूरी करोगी तो ये मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा माँ। हेलो हेलो, आप खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं, आप बोलिए ना कुछ। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो आप सबका बहुत ध्यान रखेगी मालकिन। मुझे दो ना फोन। हेलो, मुझे दो। हेलो मालकिन, मालकिन जी प्रणाम, मेरा प्रणाम लीजिए। मैं कह रही थी कि कल तो रस्में होंगी और उसके बाद खाना पीना। आप लोगों की दावत तो बहुत बड़ी होगी, आप कुछ बोलिए तो। आप इतनी चुप क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रही, कुछ तो बोलिए। मेरी बेटी तो ठीक है ना, वो पहुंच गई ना, कोई अपशकुन तो नहीं हुआ ना? छुप छुप के किससे बातें कर रही हो माँ, वही आदमी है क्या? ठीक से बात करो गीत, पागल हो गई हो क्या? माँ से कोई ऐसे बात करता है? यही सिखाया है मैंने तुम्हें? आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं माँ, मुझे सिखाया है केदार राय ने। आप जैसों से सीख लेकर जीना मुझे भी मंजूर नहीं है। कौन बोल रहा है? हेलो, मैं गंगा बोल रहा हूँ। गंगा ढोली, तू? गीत, क्या हो रहा है ये? गंगा तुमसे उम्र में कितना बड़ा है? बड़ा? ये भिखारी अनपढ़ ढोल बजाने वाला कब से बड़ा हो गया? ये हमारे पाँव की धूल है। छी, बोल गंगा ढोली, फोन क्यों किया तूने? गीत बेटा, तुम मुझसे उम्र में कितनी छोटी हो और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? तो चाहता क्या है ये बोल। कुछ वो बात करना चाहता था। क्या? वो कुछ बेटी को देना था ना, बेटी ऐसे ही गई है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हिम्मत तो देखो, तू क्या देगा, भीख मांगने वाला? हाँ गंगा ढोली, वैसे तूने ठीक ही कहा है, वो तेरी बेटी है तो उसे कुछ देना ही चाहिए तुझे। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मुझे उसे कुछ देना चाहिए, क्या दूँ बताइए। सोना, सोना दोगे तुम? गीत, गीत ये सब क्या कह रही हो, वो बेचारे सोना कहाँ से लाएंगे? एक भारी सा सोने का हार और भैया के लिए नामी ब्रांडेड घड़ी। क्या? ओहो, बड़ी कंपनी की घड़ी और एक सोने की अंगूठी। गीत, ये सब कुछ ला सको तो ठीक है, वरना अपनी बेटी के ससुराल में कभी मुंह उठाकर भी मत आ जाना गंगा ढोली। गीत, हेलो, क्या कहा? बहुत कुछ कहा, बेटी को सोने का चेन देना होगा, अंगूठी देना होगा, बड़ी कंपनी की घड़ी चाहिए उसे, इस सब का जुगाड़ करते करते तो लगभग ना करे तो भी 2-3 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाऊंगा मैं? और कह दिया है कि अगर मैं ये सब नहीं दे पा रहा हूँ तो कभी भी अपनी बेटी का मुंह देखने मत आना। ये क्या, तब तो वो जो भी मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए। कहाँ से दूं मैं, कहाँ से लाऊं मैं? इतने बड़े घर में बेटी की शादी की है आपने, नहीं दे सके तो बेटी की इज्जत चली जाएगी। चुप कर तू, चुप कर। अरे कहाँ से ला कर दूं मैं, क्या हमारे घर में पैसे पड़े हैं या हमारे घर में कोई पैसे का पेड़ है?
ये घर तो है ना। किससे बात कर रही थी? गंगा ढोली से। गंगा ढाकी ने तुझे फोन किया था? हाँ किया था, पूछ रहा था क्या दूं। सच में सोच सकती हैं आप, जो गंगा ढोली हर साल मेरे पापा के सामने हाथ फैलाता था, हाथ फैलाकर पैसे मांगता था, जिससे उनका घर चलता था, पेट भरता था, बीवी उसकी खेती मजदूरी करती थी और बेटी जमुना ढोल बजाती थी, वो गंगा राय घराने के सामने खड़े होकर पूछ रहा है कि क्या दूं। तूने कुछ कहा नहीं? ना। क्यों? मैंने मांगा है। क्या कह रही है तू? हाँ, एक भारी सा सोने का हार, सोने की अंगूठी और भाई के लिए एक बड़े ब्रांड की घड़ी। हाँ, ये ब्रांड ब्रांड तो उन्हें समझ में आता नहीं, तो उन्हीं की भाषा में समझाया मैंने, एक नामी कंपनी की घड़ी। सीरियसली सोचकर भी हैरानी होती है कि ये गरीब भिखारी लोग राय परिवार के साथ रिश्ता जोड़ेंगे। क्या कह रही हो तुम? शिवली, अभी मेरी एक जवान बेटी है, एक बेटा है, बेटी की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है, अभी ये घर नहीं रहा तो क्या कर पाएंगे? लेकिन ये सब नहीं देने पर बेटी का ससुराल में सम्मान नहीं बचेगा। उन लोगों ने सामने से मांगा है, तुम्हारे बड़े बाबू ने सामने से मांगा है, दोगे नहीं? क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबा, आप दे दीजिए, वो जो मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए बाबा। तो ये क्या कह रही है बेटी? हाँ बाबा, दे दीजिए। ठीक, यही करूंगा मैं, अपनी बेटी के लिए कम से कम ये तो करूंगा मैं। वो जो मांग रहे हैं मैं सब दूंगा। लेकिन ये सब करके तूने खुद को गिरा लिया। चाची, जिंदगी में कभी कभी खुद को गिराना पड़ता है। अब देखना, ये सब कुछ देने के लिए उन लोगों को उनके पास जो कुछ भी है, जमीन घर सब बेचना पड़ेगा। गंगा ढोली सड़क पर आ जाएगा और उसके बाद शुरू होगा असली खेल। कैसा खेल? गंगा ढोली के परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी। मुझे दादी ने सब कुछ बताया है कि ऐसे लोगों की हमारे घर में आने तक की हिम्मत नहीं होती थी, दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर बैठे रहते थे, और अब वही गंगा ढोली अपनी बेटी की शादी यहां करवा के लेन देन करना चाह रहा है। जमुना, मैं अच्छे से जानती हूं कि तेरा बाप मेरी चाल में फंस जाएगा, उसके बाद तू देख कि क्या होता है। तिथि और लग्न तो नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है शायद आज ही कालरात्रि मुहूर्त है। हाँ, ओ तब तो सुनो पोते जी, तुम बाहर जाओ और बहू को यहाँ रहने दो, ठीक है? नहीं नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। वो क्यों बाहर जाएंगे? वैसे भी वो महल छोड़कर यहाँ आ गए हैं और उस पर बाहर जाकर सोएंगे? नहीं नहीं, बाहर सोने से तो इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, बुखार हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ही बाहर जाऊंगी। मुझे चाहे सर्दी लगे, गर्मी लगे, फीवर हो जाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। कहा था ना, तुम औरत हो और मैं हमेशा इज्जत दूंगा।
तुम ढोली, मतलब कि संगीतकार, एक बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन, अच्छी संगीतकार, इसकी मैं इज्जत करूंगा। पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम्हें जानेगी। बस इसीलिए मैडम जी आप अंदर रहिए और मैं बाहर सुन रहा हूं। तुम कितनी नसीब वाली हो पता भी है तुम्हें? तो सच में नसीब वाली है। वो बहुत प्यार करता है तुझे, बहुत ज्यादा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितने लोगों को ऐसा प्यार मिलता है? तो सच में किस्मत वाली है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तुम कितनी नसीब वाली हो पता भी है तुम्हें? तो सच में नसीब वाली है। वो बहुत प्यार करता है तुझे, बहुत ज्यादा। कितने लोगों को ऐसा प्यार मिलता है? दादी ने कहा था ना कि आज हम काल रात्रि के नियम का पालन करेंगे। हम और तुम अलग अलग रहेंगे और तुम मेरे पास चली आई। ठीक है, जब आ ही गई हो तो हम एक दूसरे को देखते हुए रात गुजारेंगे। तुम? हाँ संगीत, मैं तुम्हारे लिए आलीशान एसी बेडरूम छोड़कर आई हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ संगीत, मुझे वापस मत भेजो। प्लीज मुझे अपने पास आने दो संगीत। प्लीज संगीत, मुझे खुद से दूर मत करो। प्लीज संगीत, मुझे पास आने दो। प्लीज हटो। तुम आलीशान बेडरूम छोड़कर यहाँ आई हो क्योंकि तुम्हारे अभिमान को ठेस पहुंची है। तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है क्योंकि मैंने जमुना से शादी की है, तुमसे नहीं। और मैं जमुना से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। यस, यही सच है। मैं जमुना से प्यार करता हूँ। आई लव जमुना, आई लव जमुना, आई लव जमुना। नाउ गेट आउट, चली जाओ यहां से। चले जाने के लिए मैं इस घर में नहीं आई हूँ संगीत। मुझे जो चाहिए वो हासिल करके रहूंगी। और आज जो तुमने मेरी इंसल्ट की है ना संगीत, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। कि मेरा मोबाइल बिल्कुल भी छुआ मत कर। क्यों? ये हर समय मेरे मोबाइल से किसे मैसेज भेजती रहती है? ए रंजना, किससे हर वक्त मैसेज करती रहती है ये बता दो। आप ये मोबाइल फोन मुझे दे दीजिए। दे दूं मतलब? क्यों? स्मार्टफोन तो आप चला नहीं पाएंगी। कौन सा फोन? स्मार्टफोन। आपकी जनरेशन को स्मार्टफोन समझ नहीं आता। अरे क्या कह रही है ये? अच्छा माँ माँ माँ
ठीक ही तो कह रही है ये। तुम जिस तरीके से फोन यूज करती हो तुम्हारे लिए पुराना फोन ही ठीक है। नंबर डायल करोगी फोन लग जाएगा, सिंपल। ठीक है ठीक है ठीक है, माँ को बेवकूफ साबित कर लिया ना तुम लोगों ने। हो गया ना, हो गया। कल की पैदा हुई लड़की और ए मेरा फोन दे, बहुत हो गया। कहाँ ना फोन दे। अरे माँ बस भी करो, ये इतने दिनों से बोल रही है फोन खरीद के दे दो ना एक फोन। अच्छा नया फोन खरीद के दू तेरी बहन को? पैसा 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 कहाँ से आएगा? हाँ कहाँ से आएगा बोल, जाकर अपने पापा को बोल ना बोल। तुम्हारे बाप पे तो हिम्मत नहीं है, और मैं अभी भी मायके के पैसे पर पल रही हूँ। एक औरत के लिए कितनी बड़ी परेशानी है तू कैसे समझेगी? सिर्फ पापा में नहीं है ऐसा क्यों कह रही हूँ? तुम्हारे पास भी हिम्मत नहीं है, इनफैक्ट इस घर में किसी में भी हिम्मत नहीं है, यहाँ तक कि बड़े मामा में भी नहीं है। क्या कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तू ऐसा क्यों कर रही है? कोई सुन लेगा तो क्या होगा पता है ना तुझे? क्या होगा? कोई कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। जमुना इस घर में आ गई, भाई जमुना को लेकर दंदरा के घर में आ गए। आ गई वो इस घर में, देख लिया आपने? कहाँ चला आया? क्या कुछ भी बकरी है तू? और वैसे भी जमुना और संगीत तो नौकरों के घर में है। माँ प्लीज, नौकरों के घर से संगीत का बेडरूम कुछ ही मीटर की दूरी पर है, आराम से आ जाएगी। गांव से यहाँ तक आ गई तो उस नौकर के कमरे से बेडरूम तक नहीं आ पाएगी। बिल्कुल आएगी, और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कुछ भी मत बोल, तू अभी भी भैया को नहीं जानती। उन्होंने कह दिया है कि इस घर में कोई जश्न नहीं होगा, एक चूल्हा तक नहीं जलेगा, कोई भी रस्म नहीं होगी। और मैं भी दावा करती हूँ माँ, मुझे पता है कि रस्में जरूर होंगी, सारी की सारी रस्में होंगी, क्योंकि भैया जमुना से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। तू केदार राय को नहीं जानती है। जमुना को मार डालने के लिए केदार राय किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। एक न्यूज देने आई हूँ। कौन? ऐसे छुप छुप कर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? छुप छुप कर प्यार करना चाहती हो क्या? नहीं कर पाओगी, कभी नहीं कर पाओगी। इस जन्म में तो उस आदमी के साथ मेरा बंधन तय हो चुका है, अगर हो सके तो अगले जन्म की तैयारी अभी से कर लो। ए, तुम मेरा नाम भी मत लेना। तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने घर की नौकरानी बनाकर रखती हूँ, समझ गई ना? घर की नौकरानी। जरा रुको, एक बात तुम शायद भूल रही हो, मैं इस घर की बहू हूँ, और राय परिवार की बहू को एक नौकरानी बुलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा। इतना कि तुम्हारे पापा की गाड़ी, बंगला, सब कुछ बिक जाएगा, उनका दिवालिया निकल जाएगा। ए जमुना, मैं इस घर की बहू हूँ, अगर चाहूँ तो इसी वक्त धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन मेरे अंदर अब भी इंसानियत है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी के अभी चली जाओ, दोबारा यहाँ प्यार की तलाश में मत आना। प्यार पाने के लिए काबिल होना होता है। तो ठीक है, इस अपमान का जवाब तुझे जल्द ही मिलेगा, बहुत जल्द। आप बोलिए। कह रही थी गंगा ढोली ने फोन किया था। किसे? और किसे, मेरी जिठानी को। बड़ी भाभी को? रिश्तेदारी निभाने का शौक चढ़ा है, गीत ने दीदी के हाथ से फोन ही छीन लिया। पता है, जानना चाहती है गीत से क्या कहा? कहा है रिश्तेदारी में राय परिवार को कुछ देना चाहता है।
उस भिखारी में इतनी हिम्मत? हाँ, और गीत ने भी अपना दिमाग लगाकर बहुत कुछ मांग लिया है, बहुत सारे गहने मांग लिए। गीत, गीत ने मांगा है, वो भी गंगा ढोली से। आप क्या बोल रही हैं छोटी भाभी? हाँ, गीत ने गंगा ढोली से मांगा। हाँ, गंगा ढोली से? आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे मैं सच कह रही हूँ, ये एक चाल है। चाल? हाँ, इन सब का इंतजाम करने में गंगा ढोली कंगाल हो जाएगा। या तो जमीन जायदाद सब गिरवी रखना होगा, या फिर सब कुछ बेचना होगा। कम से कम 1-2 लाख तो लग ही जाएगा। और क्या क्या देखूंगी? गंगा ढोली, गंगा ढोली देगा दहेज। जमुना, मैं जितनी बार तुम्हें देखता हूँ हर बार हैरान हो जाता हूँ। जितना सोचूं प्यार बढ़ता है। मेरे यकीन करो, जब मैं पहली बार विदेश से आया और वहां पर मैंने तुम्हें ढोल बजाते हुए देखा तो मेरी नजरें तुम पर ही रुक गई। और तभी मैंने सोच लिया था कि हाँ, यही है वो लड़की। मतलब? यानी तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। I love you जमुना। जमुना, जमुना, एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या भूल हो गई? और वो घर के सारे झमेले में पंडित जी पूजा तो करके चले गए, लेकिन लक्ष्मी माँ की कथा तो हुई नहीं। पंडित जी ने पूजा तो संपन्न कर दी, लेकिन माँ लक्ष्मी की कथा तो हुई नहीं। राय परिवार में कोजागरी पूर्णिमा के दिन ये कथा नहीं होगी। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटी, ठीक कह रही हूँ, कथा तो होनी ही चाहिए। लेकिन लेकिन कथा कौन पढ़ेगा? और कौन? माँ के आशीर्वाद से नई बहू ये कथा करेगी। ये आप क्यों कह रही हैं? मेरी सास के होते हुए मैं पढ़ूंगी? ना बेटी, गीत उसे बिल्कुल नहीं आने देगी। कुछ भी हो जाए उसे नहीं आने देगी। सुन, जल्दी ही पूर्णिमा खत्म हो जाएगी, अब और देर मत कर, जल्दी शुरू कर। लेकिन लेकिन इस साड़ी में मैं कैसे कथा? हाँ, मैं तुझे देती हूँ नई साड़ी, जा अच्छे से सज धज कर तू कथा पढ़ना, जा। लेकिन दादी माँ, मैं एक बार
एक बार बड़ी मालकिन से मिलना चाहती हूँ, एक बार बात करना चाहती हूँ मैं उनसे, बहुत जरूरी है ये। एक बार उनके दरवाजे तक ले चलेंगी क्या? मैं लेकर जाऊंगा। और चलो मेरे साथ। दादी, मैं इसे ले जा रहा हूं। चलो। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, दरवाजा खोलिए ना बड़ी मालकिन, बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए ना। चली जा यहाँ से, चली जा जमुना। तू क्यों नहीं समझ रही, तेरे पास जाने पर गीत। माँ, क्या गीत ही आपके लिए सब कुछ है? मैं कुछ नहीं। माँ, आपने ही तो जमुना को पसंद किया था। माँ, जाइए छोटे मालिक, बड़ी मालकिन को और मत रुलाइए। आपको इस घर से नहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन बस एक विनती है मेरी आपसे बड़ी मालकिन, आपने कुछ खाया तो नहीं ना? नहीं, क्यों? आपने नए धुले हुए कपड़े पहने? हाँ, असल में आज घर में लक्ष्मी माँ की कथा नहीं हुई। अरे, अब तक कथा नहीं हुई है? हाँ, इसलिए आपसे एक विनती है मेरी, आप कमरे में बैठकर ही कथा पढ़ देंगे क्या? ना ना ना, ना मैं नहीं, तू पढ़ ले, अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं अब ये सब नहीं करूंगी। नहीं मालकिन, आप आज तक जो जो करती आई हैं इस घर में, वो सब अब भी आप ही करेंगी। मैं तो बस आपके कदमों में रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं। मैं आपका हक छीनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। बड़ी मालकिन, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। आपका बेटा जब आपसे कहेगा ना, तब आप कथा पढ़ना शुरू कीजिए। आप कथा पढ़ेंगी ना, हम दोनों साथ में कथा पढ़ेंगे, सास और बहू। कथा की पुस्तक निकाल ली।
मैं मुझे पढ़ना नहीं आता दादी माँ, मुझे बस अक्षरों का ज्ञान है। ओ माँ, तो पढ़ोगी कैसे? मुझे तो सुन सुन कर ही याद हो गया है पूरी कथा।